फैमिली वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। सो गाइज कैसे हो आप सब, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सो गाइज आज मैंने कुछ क्वेश्चंस पिक किए हैं, उनके आंसर्स देने वाली हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है नीतू सरोज जी का, मैम फर्नीचर को छोड़कर हम पहली बार में हम कितने का सामान भरे। मैं पार्लर स्टिचिंग के साथ कॉस्मेटिक शॉप खोलना चाहती हूँ, जुलाई अगस्त में शॉप खोलने का सोच रही हूँ। तो नीतू सरोज जी, जुलाई अगस्त जो है बेस्ट मंथ है शॉप ओपन करने का, क्योंकि उस टाइम ना सीजन स्टार्ट होता है। जैसे जुलाई के मंथ में आप चूड़ी वगैरह सेल करोगे, सावन चल रहा होगा, और अगस्त के मंथ में रक्षाबंधन, और उसके बाद सारे त्योहार स्टार्ट हो जाते हैं। तो बहुत ही अच्छा टाइम रहेगा जुलाई और अगस्त का मंथ। और आप पूछ रहे हैं कि फर्नीचर को छोड़कर अगर हम इन्वेस्टमेंट करना चाहें थोड़ा बहुत कॉस्मेटिक में भी पार्लर स्टिचिंग के साथ, तो मिनिमम टू मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है 50,000 तो लगेगी, क्योंकि सारे जो चीजें हैं काफी महंगी हो गई है। अगर आप थोड़ी थोड़ी चीजें, थोड़ी बहुत अगर आप बैंगल्स रखना चाहते हो, हेयर एक्सेसरी रखना चाहते हो, ज्वेलरी, कॉस्मेटिक आइटम, मेकअप, ये सब चीजें अगर आप थोड़ी थोड़ी भी रखोगे ना, तो 50,000 तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी, और साथ में आप थोड़ा बहुत और बजट लेके चलना। और नीतू सरोज जी, मैं आपको एक और बात कहना चाहती हूँ कि अगर आप पार्लर और स्टिचिंग का काम भी साथ में करना चाहते हो, तो आप बहुत ज्यादा बिजी भी होने वाले हो, क्योंकि उस टाइम पे पार्लर का काम भी बहुत अच्छा चलता है और साथ के साथ स्टिचिंग का काम भी बहुत ज्यादा अच्छा चलता है, और कॉस्मेटिक का तो चलता ही चलता है। तो ये तीनों काम जो है सीजन के टाइम पे बहुत ज्यादा अच्छा चलते हैं, तो आप उस टाइम पे बहुत ज्यादा बिजी होने वाले हो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोज जी का, होली पर क्या सेल करें दीदी। तो मनोज जी, होली पर ऐसा कुछ एक्स्ट्रा सेल नहीं होता है, वही सब चीजें सेल होती है कॉस्मेटिक शॉप में जो रेगुलर होती हैं। और ऐसे अगर आप एक्स्ट्रा चीजें रखने चाहते हैं, तो आप रंग, पिचकारी, ये सब चीजें ऐड कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐड करते हैं ये सब चीजें और अच्छी चलती है, तो अगर आप करना चाहते हैं तो ये सब चीजें ऐड कर सकते हैं। बाकी कॉस्मेटिक में तो वही सब चीजें सेल होंगी, बट मैं अपने एरिया की कुछ बात बताना चाहती हूँ कि मेरा एरिया जो है ना, यहाँ पर क्या है, लेबर लोग बहुत ज्यादा रहते हैं, जैसे कि यूपी साइड से, बिहार साइड से बहुत लेबर यहाँ पर रहती है, और वो होली के टाइम पे अपने गांव जाते हैं, तो परिवार वालों के लिए कुछ ना कुछ लेके जाते हैं, अपने लिए कुछ ना कुछ लेके जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पर सेलिंग काफी अच्छी हो रही है। लोग कुछ ना कुछ मतलब लेने डेली आते हैं, लोग बताते हैं कि हम गांव जा रहे हैं तो ये सब चीजें हम लेके जा रहे हैं, तो इस वजह से काफी अच्छी सेलिंग इस टाइम पे हो रही है होली की वजह से भी। बाकी एक्स्ट्रा कोई चीज कॉस्मेटिक में एड ऑन करने की कोई ऐसा नहीं है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है निशा सिंह जी का, फाउंडेशन सबसे बेस्ट कौन सा है। तो निशा सिंह जी, फाउंडेशन जो है मतलब बेस्ट अगर मैं बताऊं तो बहुत कॉस्टली फाउंडेशन है, तो उसके बारे में मैं नहीं यहाँ पे बात करूंगी, क्योंकि बहुत ही अच्छे अच्छे फाउंडेशन होते हैं। बट मैं यहाँ पर बात करूंगी कि सेल कौन से अच्छे होते हैं। तो इस टाइम पे मेबलिन फिटमी का बहुत ज्यादा मतलब डिमांड रहती है, लैक्मे की बहुत ज्यादा डिमांड रहती है, और साथ में हुडा ब्यूटी और इनसाइट मियोन, ये सारे फाउंडेशन जो है इनकी डिमांड काफी रहती है। मतलब मैं अपने एरिया की बात बता रही हूँ, हो सकता है आपके एरिया में अलग डिमांड हो, तो आप उस हिसाब से रखना। मेरे एरिया में ये सब फाउंडेशन बहुत ही अच्छे सेल होते हैं और बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं होते हैं, शायद इस वजह से भी, और क्वालिटी वाइज भी काफी अच्छे होते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आनंद के बीच का, रेगुलर बिकने वाले कॉस्मेटिक क्या होते हैं। तो आनंद जी, रेगुलर बिकने वाले कॉस्मेटिक्स में काफी चीजें होती है, मॉइस्चराइजर, लोशन, पाउडर, क्रीम, ऑयल, ये सब चीजें रेगुलर सेल होती है, फेस वॉशेस, बहुत सारी चीजें होती है, और मैंने आपके साथ लिस्ट भी शेयर की हुई है, अगर आप वो देखेंगे तो आपको ज्यादा डिटेल में पता चल जाएगा कि कौन सी होती है रेगुलर बिकने वाली चीजें। सो गाइज, यही कुछ क्वेश्चंस मैंने पिक किए थे जिनके मैंने आंसर्स दे दिए हैं। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आईडी मेंशन की हुई है, और साथ के साथ कमेंट सेक्शन में भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। तो जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय एवरीवन।